Week size 5 question number 3 factorize the following. अब इसमें तीन ही पार्ट करते हैं स्मार्ट सिलेबस के. सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं. 4x² - 16y² फैक्टर बनाने बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. 4 कॉमन निकालने इसमें से, यहाँ आ जाएगा x - 4y² इसे हम लिख सकते हैं x² - 2y² फॉर्मूला यूज़ करेंगे a² - b² = a + b इनटू a - b. 4 जैसे लिखेंगे हम x + 2y इनटू x - 2y, यही आंसर हमारा. ये सेकंड पार्ट था. 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है. 8x³ - 1/27y³. इसे हम लिख सकते हैं 2x³ - 1/3y³. 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27. तो फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे a³ - b³ = a - b × a² + ab + b². तो यहाँ आ जाएगा a - b, ना a इसमें 2x है, b क्या 1/3y, 2x - 1/3y, a² means 2x² + ab, ए इसमें 2x है, बी इसका 1/3y + 1/3y² 2x - 1/3y × 2 × 2 = 4x² + 2x/3y + 1/9y². ये इसका आंसर आ जाएगा. लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट है. 1 - 12p³ + 36p²q² सॉल्यूशन से हम लिख सकते हैं a² (1 + 1) - 2ab, ए इसमें मैं कह रहा हूँ 1 है और b इसमें आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 6pq² तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या आएगा, a² - 2ab, बी ये वाला आएगा 6pq, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आना चाहिए. इसमें देखिए 2 6 = 12pq, ये फॉर्मूला बन जाएगा a - b² ए इसमें 1 है, माइनस अगर यहाँ 2 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 20 में क्या आ रहा है 6pq² इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 6pq × 1 - 6pq.